दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गॉडजिला के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों गॉडजिला सिर्फ जाइंट मॉन्स्टर का बादशाह नहीं है बल्कि बॉक्स ऑफिस का भी बादशाह कहा जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डायनासोर सब्जेक्ट पे बनी फिल्म अक्सर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती हैं। साइंस की बुक्स के अनुसार अर्थ पे डायनासोर का वजन लगभग 80 टन एंड सबसे ऊंचे डायनासोर की ऊंचाई लगभग 60 फीट तक होती थी। बट फिल्म में दिखाया गया समुद्र में छिपता और मानवों से लोहा लेता हुआ 385 फीट ऊंचा 90,000 टन भारी जाइंट मॉन्स्टर रियल लाइफ में होना पॉसिबल है क्या? वेल बायोलॉजिकली तो नो। अभी तक अर्थ पे पाया गया सबसे भारी जीवित प्राणी ब्लू व्हेल का वजन लगभग 209 टन होता है। एक 90,000 टन के दानव को जीने के लिए पर डे कम से कम 21 करोड़ 50 लाख कैलोरी की जरूरत पड़ती है। थिंक इट दिस वे, अगर उस गॉडजिला को सिर्फ मानव खुराक पर ही जिंदा रहना होता कि एक मानव के शरीर में लगभग 11,000 कैलोरी होती है, तो गॉडजिला को डेली सर्वाइवल के लिए लगभग 1950 ह्यूमंस को मार के खाना पड़ता। काइंड ऑफ टफ जॉब। समुद्र के बाहर निकल कर हम पे झपटते गॉडजिला को मारने के लिए मे बी हमें टैंक्स मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती, बट एक चीज ऐसी है जो गॉडजिला का काम तुरंत तमाम कर देती है, दैट्स ग्रेविटी। यस, इतने भीमकाय शरीर को सपोर्ट करने के लिए गॉडजिला की हड्डियां अर्थ के ग्रेविटी के कारण अपना वजन ना संभाल पाने से प्रेशर के कारण ध्वस्त हो गई। और अभी तक उपलब्ध किसी भी फॉसिल के आधार पर कहा जा सकता है कि गॉडजिला का दिल इतने विशालकाय शरीर में पृथ्वी की गॉड की ग्रेविटी से लड़कर ब्लड पंप नहीं कर पाता। तो देखा जाए तो गॉडजिला जैसी चीजें होना पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं है। दे आर जस्ट फिक्शनल कैरेक्टर। बट हाउ एवर, डायनासोर रियल में आज से करोड़ों वर्षों पूर्व इसी पृथ्वी पर विचरण किया करते थे। इनफैक्ट आज भी करते हैं। यस, डायनासोर आज भी मौजूद हैं। आपके आसपास जो पक्षी बर्ड आप देखते हैं वे एक्चुअल में डायनासोर वंश के ही प्राणी हैं, जो करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ करते थे, जो करोड़ों वर्ष पूर्व हुए डायनासोर के अंत की गाथा के एकमात्र विजेता कहे जा सकते हैं। तो क्या हम किसी भी प्रकार से डायनासोर को आज 21वीं सदी में वापस ला सकते हैं, एक जुरासिक पार्क की तरह जहां डायनासोर के विलुप्त हुई प्रजातियों को रखकर बच्चों को उन्हें दिखाकर कमाई की जा सके? या वी कैन, बट प्रॉब्लम ये है कि रेट्रोजेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई वे चीजें हिस्टोरिकल डायनासोर नहीं होगी। दे विल बी थिंग्स बी मेड। हाउएवर, इस वीडियो को बनाते हुए मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि हमें बच्चों को इंसानों को डायनासोर की में इतनी पसंद क्यों आती हैं? क्यों हम एक विशाल दानव को न्यूयॉर्क की सड़कों पर तोड़फोड़ करते मचाते देखने के लिए पैसा खर्च कर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की कोशिश करते हैं? मे बी इसका जवाब ये है कि ड्रैकुला और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एलियंस वगैरह वगैरह थोड़े थोड़े अनरियल प्रतीत होते हैं, बट डायनासोर हमारे पास पक्के सबूत हैं कि कभी किसी वक्त अर्थ के जिस हिस्से में हम रहते हैं वहां मौत बनकर घूमते हैं। खत्म। तो आज का किस्सा फिनिश करते हैं यहीं पे। और अच्छा हाँ, एक बात और है, किसने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग पिक्चर देखी है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।